ब्रिटेन ने सुरक्षा देने से किया इनकार। अब भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देने के बाद भारत भाग कर आ गई। इसके बाद लगातार खबर मिल रही थी कि हसीना लंदन जाएंगी, लेकिन अब जो ताजा खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से आपको बता दें कि शेख हसीना लंदन नहीं जाएगी, वो भारत में ही रहेंगी। सूत्र बताते हैं कि हसीना के लंदन जाने की योजना कुछ अनिश्चितताओं के कारण अटक चुकी है और इसी वजह से हसीना अगले कुछ और दिनों तक भारत से बाहर नहीं जाएंगी। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद हसीना सोमवार को हिंडन एयरबेस पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था और उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। हसीना क्यों नहीं जा पाई लंदन? सूत्रों के हवाले से एक और खबर सामने आ रही है कि शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के पास जाने वाली थी। पहले यह बात लगभग फाइनल हो चुकी थी, पर अब कहा जा रहा है कि हसीना अभी यहीं रहेंगी और अन्य विकल्पों पर विचार करेंगी। अंदर की खबर ये भी है कि ब्रिटेन सरकार ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि हसीना के देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा उन्हें नहीं मिल सकती। जानकारी ये भी मिली है कि हसीना ने भारत के रास्ते लंदन जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन उनके हिंडन एयरबेस पहुंचने से पहले ही उनके साथियों ने उनको इस बात की सूचना दे दी कि वहां पर आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि वो फिलहाल यहीं रहेंगी और दूसरे विकल्पों पर ध्यान देंगी। हसीना क्यों जाना चाहती थी लंदन? शेख हसीना ने लंदन जाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उनकी बहन रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटिश संसद में सदस्य है। वो वित्त मंत्रालय में आर्थिक सचिव है और लेबर पार्टी से सांसद थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सोमवार को लंदन में एक बयान में कहा था कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ हफ्तों में अभूतपूर्व स्तर की हिंसा और जानमाल की दुखद हानि देखी है और देश के लोग घटनाओं के संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं। अब कहां जाएंगी शेख हसीना? ब्रिटेन द्वारा सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर शेख हसीना जाएंगी कहां? क्या वो भारत में ही रहेंगी? इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सूत्र बताते हैं कि अब शेख हसीना फिनलैंड जा सकती है। हसीना के परिवार के सदस्य फिनलैंड में भी रहते हैं और इसलिए वो उत्तरी यूरोपीय देश जाने का विचार कर रही है और ये विचार जब तक फाइनल नहीं हो जाता वो तब तक के लिए भारत में ही रहेंगी। बता दें आपको कि बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है, आरक्षण के मुद्दे ने इतना भव्य रूप ले लिया कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना भी पड़ा। खैर, अब जिस तरीके से खबर मिल रही है कि हसीना भारत में ही फिलहाल रहने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और जाते जाते आपको ये भी सुनाते हैं कि भारत के दिग्गज नेता बांग्लादेश की स्थिति पर क्या कहते हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो एक हम लोगों को पड़ोसी देश होने के नाते और कभी इसी देश से अलग हुआ एक देश और वहाँ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जो दृश्य आ रहे हैं वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहाँ अराजकता ही अराजकता है। वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत संकट में हैं। वहाँ के माइनॉरिटीज के रूप में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जो पारसी हैं, ये सभी लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। और हमें आज गनीमत ये है कि सदन में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूरी रिपोर्ट रखी है और मुझे एक बात का संतोष है कि विपक्ष ने इस पे जो एक सकारात्मक रुख रखा है कि हम पूरे ऐसे मुद्दों पे देश के साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और दूसरी चीज, हमारा विश्वास है कि ना सिर्फ नजर रहेगी बल्कि ऐसे अवांछनीय तत्वों का क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निदान हो सकता है, इसके लिए भी भारत आगे कदम उठाएगा। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले ऐसे होते हैं जिसमें
पक्ष विपक्ष सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्री जी ने अपना बयान जो सदन में रखा उस पर हम लोगों ने कोई क्वेरी नहीं की, ये मानते हुए कि देश की सरकार और विदेश मंत्री जो हालात के बारे में बता रहे हैं वो एक सही जानकारी दे रहे होंगे।